ये क्वेश्चन एक मॉडरेट लेवल का स्टैंडर्ड क्वेश्चन है। इस तरह के क्वेश्चंस कंसेप्ट्स में भी आपने डिस्कस डेफिनेटली किए होंगे। नॉर्मली जब भी इस तरह के क्वेश्चन आपके सामने आए तो एक फार्मूला आप ज़रूर याद रख लें। वो एक तरह से शॉर्टकट भी है, उसके पीछे का जो लॉजिक है वो मैं आपको भी एक्सप्लेन कर दूंगा। मान लीजिए दो पर्सनस हैं, पॉइंट पी और पॉइंट क्यू से एक दूसरे की तरफ मूव कर रहे हैं। पर्सनस के नाम हैं ए एंड बी। दोनों एक साथ डिपार्ट करते हैं अपने अपने स्टेशन से एंड टूवर्ड्स द ऑपोजिट स्टेशन। रास्ते में लेट अस से वो पॉइंट आर पर एक दूसरे को क्रॉस करते हैं। अगर हमें इनका इस पॉइंट से अपने अपने डेस्टिनेशंस पे पहुंचने का टाइम गिवन हो तो हम इन दोनों ही पर्सन्स की स्पीड्स का रेशियो आसानी से निकाल सकते हैं। और ये फॉर्मूला आप याद रखिएगा, स्पीड ऑफ ए डिवाइडेड बाई स्पीड ऑफ बी इज इक्वल टू स्क्वायर रूट टाइम टेकन बाई बी एंड टाइम टेकन बाई ए टू रीच दे रेस्पेक्टिव डेस्टिनेशंस आफ्टर क्रॉसिंग ईच अदर। तो ये एक बड़ा स्टैंडर्ड फार्मूला है जो आपको ऑलमोस्ट हर बुक में भी मिलेगा और आपने डेफिनेटली कंसेप्ट में भी पढ़ा होगा। अदरवाइज इसको सॉल्व करने का सिस्टमेटिक अप्रोच भी हम डिस्कस कर लेंगे। यहाँ पर दो कार्स हैं हमारे सामने, कार वन ट्रेवल्स फ्रॉम ए टू बी, कार टू ट्रेवल्स फ्रॉम बी टू ए। बोथ लिविंग एट द सेम टाइम, आफ्टर मीटिंग ईच अदर दे टेक 45 मिनट्स एंड 20 मिनट्स रेस्पेक्टिवली टू कम्प्लीट देयर जर्नी। दैट मीन्स कार वन जो है इट इज़ टेकिंग 45 मिनट्स एंड कार टू इज टेकिंग 20 मिनट्स। कार वन ट्रेवल्स एट अ स्पीड 60 किलोमीटर पर आवर, तो हमें कार टू की स्पीड पता करनी है। कार वन को हम ए से और कार टू को बी से रिप्रेजेंट करें तो कार वन की स्पीड है 60, कार टू की स्पीड हमें मालूम करनी है। क्रॉस करने के बाद रेस्पेक्टिव डेस्टिनेशंस पे पहुंचने में जो टाइम लग रहा है वो गिवन है। कार टू का टाइम ऊपर हम लिखेंगे 20, कार वन का टाइम यहाँ नीचे आ जाएगा 5 4 टाइम्स 5 9 टाइम्स। अंडर रूट 4/9 अगर हम लिखेंगे तो 60 डिवाइडेड बाई वी टू इज इक्वल टू 2/3, 2 goes into 60 30 टाइम्स, एंड 30 into 3 अगर हम करें तो हमारे पास कार टू की स्पीड आ जाएगी 90 किलोमीटर पर आवर। तो ये एक बहुत बेसिक फार्मूला है, आपको याद रहना चाहिए। अगर आप मान लीजिए इस फॉर्मूले से इस क्वेश्चन को नहीं डील करके और लॉजिकली आप इसको सॉल्व करना चाहते हैं तो ये समझ लीजिए कि कार वन जो है वो यहाँ से और यहाँ आ रही है। लेट अस से यहाँ से यहाँ आने में कार वन को टाइम लग रहा है टी मिनट्स, ठीक है, क्योंकि दोनों ही कार्स एक साथ डिपार्ट करती हैं। तो कार बी को भी यहाँ से यहाँ आने में, या कार टू को यहाँ से आने में टी मिनट्स लगेंगे। ओके, अच्छा, कार वन को यहाँ से यहाँ आने में कितना टाइम लग रहा है? 45 मिनट्स, एंड कार टू को यहाँ से यहाँ आने में 20 मिनट्स, क्योंकि दोनों ही कार्स ने अपनी स्पीड्स चेंज नहीं की है। तो एक सेम डिस्टेंस चलने में इनका जो टाइम टेकन का रेशियो है वो हर बार इक्वल होगा। यहाँ पर कार वन और कार टू के टाइम टेकन का रेशियो है T/20, और ये इक्वल होगा किसके, इस डिस्टेंस को ट्रैवल करने में इनके जो टाइम टेकन उसका रेशियो के, 45/T। टी स्क्वायर इज इक्वल टू 900, देयरफॉर टी इज इक्वल टू 30। हम नेगेटिव वैल्यूज को यहाँ इग्नोर कर देंगे क्योंकि हम टाइम के बारे में बात कर रहे हैं। इट मीन्स अगर हम यहाँ पर टी की वैल्यू 30 सब्स्टिट्यूट कर दें तो जिस डिस्टेंस को चलने में कार वन को 30 मिनट लग रहा है, कार टू को उसी को ट्रेवल करने में 20 मिनट्स लग रहा है। तो सेम डिस्टेंस चलने में जो टाइम इन्हें लगेगा उसका रेशियो है 30/20, दैट इज 3:2। तो दोनों कार्स की स्पीड्स का रेशियो होगा इसका रेसिप्रोकल, दैट इज 2:3। कार वन की स्पीड हमें गिवन है 60 किलोमीटर पर आवर, आप उसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो कार टू की स्पीड आ जाएगी 30 into 3, दैट इज 90 किलोमीटर्स पर आवर। तो क्वेश्चन को दो तरीके हैं। अच्छा, ये जो फार्मूला है ये भी इसी तरह से हमने इसको डिराइव किया है, हमने यहाँ पर इनके स्पीड्स का रेशियो लेके और फिर क्वेश्चन को हमने सॉल्व कर लिया है। तो आप ये फार्मूला भी याद रख सकते हैं, और अदरवाइज आप ये जो अप्रोच है जहाँ हम रेशियो का इस्तेमाल करके टाइम को मैच करके आगे डील करते हैं उस पर भी फोकस कर सकते हैं। क्वेश्चन ज़्यादा टफ नहीं था, आप आसानी से इस तरह के क्वेश्चंस को विद इन अ मिनट सॉल्व कर सकते हैं।